हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। नुपुर शर्मा ने जब से पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की है, तभी से ये मामला इस कदर गरमाया हुआ है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान भी इस मसले में कूद पड़े हैं। दरअसल कमाल आर खान उर्फ केआरके ने बीजेपी द्वारा नुपुर शर्मा पर की गई कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केआरके ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे उन्होंने योगी के बुलडोजर से जोड़ दिया। कमाल आर खान का कहना है कि अगर नुपुर शर्मा की जगह कोई मुस्लिम ने ऐसा किया होता तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल गया होता। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, जो नुपुर शर्मा ने किया अगर वही किसी मुस्लिम ने किया होता तो उसे आजीवन जेल होती, घर पर बुलडोजर भी चलता। नाम, धर्म, जाति और पद के बावजूद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून समान होना चाहिए। अब कमाल आर खान अपने इस ट्वीट की वजह से लोगों के निशाने पर है। केआरके का ये कहना कि अगर ये किसी मुस्लिम ने किया होता तो उसके घर पर बुलडोजर चलवा दी जाती, ये बात लोगों को रास नहीं आ रही और लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, तो फिर हर कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्योर मुस्लिम पॉलिटिक्स वाले जेल में होने चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, हमारे श्री शंकर भगवान और शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, वो आपने देखा नहीं, सुना नहीं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, मुस्लिमों ने क्या क्या किया है वो तो सबको पता है, 2 रुपीज पर्सन। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हारे घर पे बुलडोजर नहीं जा पाएगा, मौज करो। एक और यूजर ने लिखा, तू है कौन, पहले जाके इज्जत कमा फिर बोलियो। एक और यूजर ने लिखा, नुपुर शर्मा ने जो किया था वो बहुत सारे मुस्लिम रोज करते हैं और उनपे एक्शन नहीं लिया जाता, ना ही उनको इतनी हेट मिलती है जितना उन्हें मिली। एक और यूजर ने लिखा, सच बोलने पर बुलडोजर क्यों चलेगा, इतने सालों से शांति दूत महादेव का अपमान कर रहे, उन पर हाथ पैर धुल रहे, तुम्हारे जैसे अंधों को वो तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक और यूजर ने लिखा, तुझे तो लोग फॉलो ही इसलिए करते हैं ताकि तुझे गाली दे सके, जब भी मुंह खोलता है गोबर ही करता है। तो देखा आपने, नुपुर शर्मा मामले पर बोलना केआरके को कितना भारी पड़ गया। बुलडोजर का जिक्र कर उन्होंने फजीहत करवा ली। ये सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं। वो काफी टाइम से अवैध निर्माण और माफियाओं के अवैध जगहों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और अब केआरके ने नुपुर मामले में बुलडोजर वाली बात बोलकर सीएम योगी से पंगा ले लिया है। केआरके वो शख्स है जो हमेशा ही अपने बयानों की वजह से ट्रोलर्स का शिकार हो जाते हैं। बता दें, नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बीजेपी ना ऐसे किसी विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। वहीं नुपुर शर्मा भी अपनी टिप्पणी करने पर माफी मांग चुकी है। उन्होंने कहा था, अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। वैसे केआरके ने इस मामले पर जो बयान दिया उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर।